हाँ तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मटेरियल यूआई के कलर्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कि कलर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट पे। अब यूज़ करने का यहाँ पर बहुत सारा तरीका भी बताऊंगा किन किन तरीकों से यूज़ कर सकते हो और क्या सही तरीका यूज़ करने का। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर कलर मैंने देखा ये चाहिए तो उसको कॉपी कर लिया और अपने कोड में जाकर पेस्ट कर दिया, नहीं ये सही तरीका नहीं है। तो क्या सही तरीका, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो मटेरियल कलर्स को। ठीक है, काफ़ी कमाल का यहाँ पर मटेरियल कलर्स ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन इन कलर्स को कैसे सही तरीके से यूज़ करना है, जैसे मैंने बताया कि इसको ऐसा नहीं कॉपी कर लेना और पेस्ट कर देना, नहीं, जो सही तरीका मैं आपको बताऊंगा कितने इजीली आप इसको यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे यहां पर कलर्स अवेलेबल है ऑलरेडी और मैं सही तरीका आपको बताऊंगा। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कलर को हम लोग दो चीजों में यूज करते हैं, या तो टेक्स्ट का कलर देने के लिए या तो फिर किसी चीज का कोई भी डिव एलिमेंट या कोई भी कंटेनर बैकग्राउंड कलर देने के लिए। जैसे यहीं पर आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर जो है तो सिंपली हम लोग बैकग्राउंड कलर देने के लिए यूज करते हैं या तो फिर टेक्स्ट को कलर करने के लिए यूज करते हैं, दो चीजों के लिए। ठीक है, और आप उसको भी दो चीजों में कर सकते हैं, मतलब कि एक तो इनलाइन स्टाइलिंग करके जैसे सीएसएस में होता है और एक तो क्लास बना के। ठीक है, तो मैं हर एक चीज यहां पर दिखाऊंगा आपको। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये स्टार्टिंग सेटअप करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा फालतू में सेटअप करने में, तो मैंने स्टार्टर किट बना के रखा है। आप जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन पे इसको डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड जिप करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको बाहर में रखिए, उसके अंदर npm इंस्टॉल या yarn इंस्टॉल का कमांड रन कीजिए और फिर आप सिंपली अपने कोड एडिटर पर जाइए, उस फोल्डर को ओपन कीजिए और आपको रन करना है। ये स्टार्टर सिंपल फाइल है रिएक्ट का, तो अभी हम लोग को रन करना है yarn स्टार्ट या फिर npm इंस्टॉल, जो भी आपका पैकेज मैनेजर है। तो मैं लिखता हूँ yarn स्टार्ट, ठीक है, और इंटरप्रेस करना है, तो ये ऐप सिंपल से ऐप रन होगा। हाँ तो भाई मेरे हम लोग यहाँ पर रिएक्ट ऐप रन कर चुका है, तो जाते हैं वापस कोड एडिटर पे और अभी ये जो कोड है ना इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ। IMP लिख के टैप प्रेस करेंगे, ये स्निपेट आ जाएगा। तो इंपोर्ट करते हैं हम लोग @materialuicourse से, ठीक है, इससे हम लोग इंपोर्ट करते हैं एक कंटेनर कॉम्पोनेंट और एक इंपोर्ट करते हैं टाइपोग्राफी कॉम्पोनेंट। ठीक है, और क्या करते हैं रिटर्न में सबसे पहले देते हैं कंटेनर यहाँ लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा पैडिंग मिले, थोड़ा अच्छा लगेगा, और टाइपोग्राफी क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कलर हम लोग दो जगह पे यूज़ करते हैं, एक तो टेक्स्ट में या तो फिर एक बैकग्राउंड में। तो टेक्स्ट के लिए मैं लिखता हूँ टाइपोग्राफी और मैं इसका वेरियंट देता हूँ H2 और मैं देता हूँ जैसे कि हेलो वर्ल्ड या फिर हेलो मटेरियल, जो भी देना है आप दे सकते हैं। तो अगर देखिए इसका आउटपुट तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो एक क्योंकि टाइपोग्राफी है और सिंपली मान लो इसमें कलर करना है तो नॉर्मली तो कलर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मिलता है और वो भी सिंपली आपको डिफॉल्ट थीम के हिसाब से मिलता है, जो कि आपको डिफॉल्ट थीम है, वो कस्टमाइजेशन अलग चीज़ है, तो वो तो मैं बाद में बता दूंगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन हम लोग अगर कुछ कलर यूज़ करना चाहते हैं जैसे मटेरियल का जो भी कलर है ये सारा, तो कैसे ऐड करेंगे, तो जैसे मैंने बताया कि एक होता है इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टाइल लिखेंगे यहाँ पर और हम लोग अपना जो भी कलर वगैरह दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं जो भी कलर को यूज़ करना है ना, जैसे कि ब्लू है, ठीक है, लाइट ब्लू है या पर्पल है या पिंक है, जो भी कलर को यूज करना है, जैसे ये रहा ऑरेंज है। ठीक है, पहले सिंपल लेते हैं एक, ठीक है, ऑरेंज है, डीप ऑरेंज है, तो हर एक तरह का कलर मिले, जैसे ऑरेंज है तो मुझे ऑरेंज देना है, तो सिंपली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं IMP का टैप प्रेस करता हूँ @materialuicore, ठीक है, materialui/core/colors, ठीक है देना, और उसके बाद आपको जो भी कलर चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देना, जैसे अगर मुझे ऑरेंज चाहिए तो मैं लिखता हूँ ऑरेंज, ये तो आ गया ना ऑटोमेटिक पॉपअप आ गया ऑरेंज, और मैं यहाँ पर भी लिखता हूँ ऑरेंज। ठीक है, तो अब कैसे यूज करूंगा, तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर स्टाइल, और नॉर्मली जैसे स्टाइलिंग करते हैं किसी भी हेडिंग को उस तरह से लिखते हैं ना स्टाइल, और कलर अब नॉर्मली अगर मुझे देना हो तो कलर तो मैं इस तरह से लिखता हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी एग्जाम्पल के अगर मैं रेट देता हूँ ऐसे देते ना। ठीक है, बहुत से लोग इस तरह से देंगे, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप एक चीज़ करते, मैं बता रहा हूँ ये चीज़ मैं बता रहा हूँ गलत हम लोग कहाँ होते हैं, फिर अगर मुझे ये ऑरेंज चाहिए होता तो मैं इसको कलर कॉपी करता और यहाँ पर बस पेस्ट करता, बोलता यार देखो ये सही है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, भले आपको ऑरेंज दिख जाएगा बट ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है, आपने कलर लिखा, हम लोगों ने क्या किया ऑरेंज को इम्पोर्ट कर लिया था, हमें लिखना होगा ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज यहाँ पर लिखना, और अब यहाँ पर तीन चार तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली तीन तरीके से। ठीक है, मैं हर एक तरीके को बताता हूँ। अब ऑरेंज में क्या सीन है, अगर आप ऑरेंज को देखोगे, ठीक है, अगर आपने सिर्फ मिले ऐसे ऑरेंज लिखा, अब इसका कौन सा चाहिए आपको, मतलब कि इसका जो शेड का लेवल है हर एक का आपको मिलेगा अलग अलग। ठीक है, तो ये तो 50 है, 100, 200, 300, 400, 500, तो मैं लेता हूँ इस तरह से 500। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट देखे, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट एक तरह से ये देखो आ गया ना, तो जिस तरह से आप लेवल दोगे, जैसे मैं 50 देता हूँ तो लाइट ऑरेंज आएगा, एकदम दिखेगा नहीं ये देखो, है ना, तो लेवल आएगा। और एक तरीका क्या है, यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हो ऑरेंज का कुछ शेड, यहाँ पर आपको ये भी मिलेगा, जैसे A700 है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ऑरेंज .A7, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक पॉपअप हो रहा है A700, इसको मैं लिखता हूँ, और देखो यहाँ पर एकदम डार्क ऑरेंज मिलेगा, एकदम डार्क। ठीक है,
ये एक तरीका है, और इसको आप उस तरह से भी लिख सकते थे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को आप डॉट से भी एक्सेस कर सकते हो और स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हो, लेकिन एक लफड़ा वो बताता हूँ मैं क्या है, तो आप इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो, उसका भी रिजल्ट इसी तरह आएगा। ठीक है, तो सिंपली आपको जो कलर चाहिए वो कलर को इम्पोर्ट करना है और उस कलर को सिंपली इस तरह से आपको यूज कर सकते हो। अब मैं इसको ऐसे, अगर मैं, मुझे मान लो एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक कैच है यहाँ पर, ऐसे मुझे 900 चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर रुक जाओ स्क्वायर ब्रैकेट देखे 900 दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर डीप एकदम डार्क वाला ऑरेंज मिल जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता हूँ डॉट 900, तो ये देखो यहीं पर एरर ये थ्रो कर दे रहा है, ये देखो यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो क्या सीन है ना, ऑब्जेक्ट बहुत से लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट में आप नंबर नहीं स्टोर कर सकते, ये रूल नहीं है, भाई मेरे कर सकते हो, ऐसा नहीं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेस करने की एक्सेस अब नहीं कर पाओगे, तो इस तरह से एरर दे रहा है। तो क्या सीन होता है, जब भी ऑब्जेक्ट के किसी प्रॉपर्टीज को हम लोग नंबर होता है वो प्रॉपर्टी और उसको एक्सेस करना होता है, तो हम लोग डॉट लगा के नहीं कर सकते, सिंपल है कि उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट दे दो और फिर लिखो, तो आराम से काम करो, एकदम सही है, ये तो हट जाएगा टेंशन, मतलब ये देखो यहाँ पर ये देखो है ना, हो गया। तो इस तरह का कुछ नहीं, जब भी नंबर कोई कलर का शेड चाहिए होना, शेड मतलब कलर का किस तरह कितना उसका लेवल होगा, शेड मतलब ये देखो लाइट है डार्क है होता जा रहा है, तो अगर 400 चाहिए तो सिंपली आपने लिख दिया यहाँ पर 400, ठीक है, आपने इस तरह से लिख दिया 400, तो यहाँ पर उस लेवल का कलर आपको मिल जाएगा, सिंपल है। ठीक है, और भी कोई कलर चाहिए, मैं और एक कलर दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए आपको, ताकि समझ में आ जाए, जैसे कि ये लाइट ग्रीन है, तो भाई मेरा मैंने क्या किया, इम्पोर्ट लिखा और फिर से मैंने दिया @material, ये देखो ऑटोमेटिक पॉप हो रहा है, material.ui/course/, मैं दे रहा हूँ लाइट, ठीक है, लाइट क्या था यहाँ पर, लाइट ग्रीन, ठीक है, इसी को ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ लाइट ग्रीन, और मैं यहाँ पर देता हूँ लाइट ग्रीन, और मैं लाइट ग्रीन का 400 वाला शेड को यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखता हूँ कैसा आता है। अच्छा, ये इस तरह से एरर दे रहा है, ओह सॉरी भाई, मेरे यहाँ कोर का कलर्स भी देना था, सॉरी उसके लिए, मैं सोच रहा हूँ आ क्यों नहीं रहा है, सॉरी कलर्स भी देना था, ठीक है, तो अब अगर देखें ये देखो, तो आ गया ना कलर, आ गया ना ये ग्रीन, लाइट ग्रीन, सॉरी मैं, क्योंकि material.ui/course/colors देना, उसका वो जो कलर है वो कलर आपका नेम देना है, मतलब वो फाइल यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट इंपोर्ट होगा, तो मैंने यहाँ पर स्लैश कलर्स नहीं दिया था, सॉरी उसके लिए। तो जो भी कलर चाहिए सिंपली आपको इंपोर्ट कर लेना है और उस लेवल से आप अपने हिसाब से एक लेवल सेट कर लो, किस शेड का चाहिए आप यहाँ से देख लो ना, यहाँ पर दिया हुआ है ना, आप यहाँ से देख लो जो भी चाहिए तो आप ले लो, अगर डार्क चाहिए तो 900 दे दो, मतलब कि 50 से लेकर 900 तक चलता है, आप अपना यहाँ पर देते जाओ और अपने हिसाब से आराम से यूज करो, तो ये सही तरीका है कलर देने का, कलर यूज करने का। तो ये तो ये था आपका टेक्स्ट कलर, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बैकग्राउंड कलर आप कैसे दे सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड, अब भाई मेरा बैकग्राउंड कलर भी देना सिंपल, अगर आपको कलर आता तो आपको बैकग्राउंड कलर भी आएगा, सिंपली आपको क्या करना है, जैसे आपने कलर लिखा उस तरह से आपको बैकग्राउंड कलर लिखना, चाहे कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं टाइपोग्राफी में बता रहा हूँ, और वो चाहे किसी डिव एलिमेंट हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, आपको लिखना है बैकग्राउंड कलर इस तरह से और आपको दे देना, जैसे मैं लिखता हूँ लाइट ग्रीन, ठीक है, ठीक है, और मैं देता हूँ 500, तो इसका बैकग्राउंड कलर इतना लेवल पे ये सेट हो जाएगा, ये देखो आ गया ना बैकग्राउंड कलर। तो सिंपली आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है, आप किसी में भी लगाओगे अप्लाई कर जाएगा, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो, सिंपली आपको स्टाइल लेना है, तो इस तरह से आप कस्टम ओवरराइड कर सकते हो। तो ये था एक तरीका से आप कर सकते हो, इनलाइन स्टाइलिंग हो गया। अब मैं बताता हूँ कि क्लासेस यूज करके कैसे आप कर सकते हो, वो भी बहुत सिंपल है, बड़ा सिंपल, मैं वो भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर। भाई मेरे CSS क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको कोर पैकेज से आपको ये इंपोर्ट करना है मेक स्टाइल, ठीक है, एक फंक्शन है सिंपली मेक स्टाइल्स, इंपोर्ट कर लेना कॉम्पोनेंट के बाहर में आपको कहीं पर भी, जैसे मैं ले रहा हूँ const use styles, ठीक है, इस तरह से एक वेरिएबल क्रिएट करना है, इससे हमें कॉल करना है मेक स्टाइल्स को, ठीक है, और इसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट पास करा देना है। अब सीन के यहाँ पर क्या, मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस बना रहा हूँ CSS क्लासेस, जैसे मैं दे रहा हूँ क्या दे सकता हूँ माय हेडिंग, नॉर्मल क्लास में दे रहा हूँ CSS के, जैसे हम लोग होते हैं, तो इसमें भी हम CSS लिख सकते हैं एज ए जावास्क्रिप्ट फॉर्म में, ठीक है, तो माय हेडिंग दे रहा हूँ और उसका जो प्रॉपर्टी मैं दे रहा हूँ, जैसे पहले मैं कलर का दिखा देता हूँ, तो सिंपल एकदम जैसे लिखते तो उसी तरह कलर, तो मैं देता हूँ यहाँ पर लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन और 500 दे रहा हूँ इसका, तो और हमें यहाँ पर कॉम्पोनेंट के अंदर लिखना है const क्लासेस, ठीक है, और इसमें हमें यूज स्टाइल्स को कॉल कर देना है बस और कुछ नहीं, ठीक है, इसको कॉल कर दिए। अब जो भी यहाँ पर क्लास डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर ऐड होता जाएगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको कट कर दे रहा हूँ और मैं क्लास नेम में यहाँ पर दे दे रहा हूँ, क्योंकि काफी गंदा दिखेगा ना, आप इनलाइन इंस्टॉलिंग करोगे किसी भी कंपोनेंट पे, तो आप अलग से एकदम क्लास बना ले रहे हो और क्लासेस यूज करो, तो क्लास नेम देना इस तरह से और आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट से देखिए क्लासेस डॉट माई हेडिंग, ठीक है, इसको सेव करते हैं और चलो भाई मेरे देखते हैं क्या सीन है। तो ये देखो आ गया ना टेक्स्ट का कलर यहाँ पर ग्रीन, ठीक है, तो काफी सिंपल है यहाँ पर। अगर आपको बैकग्राउंड कलर भी देना है तो मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और हमने ऑरेंज को भी इंपोर्ट किया था ना, तो मैं लिखता हूँ ऑरेंज 500, ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये देखो भाई मेरे आ गया ना, तो मैं इसको स्वैप करता हूँ, मतलब इसका वैल्यू इसमें सेट कर रहा हूँ, उसका वैल्यू इसमें, ताकि थोड़ा वो सही दिखे, मतलब काफी अजीब सा आंख में बहुत ज्यादा गड़ रहा है वो, तो
हाँ अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो कोई नहीं, बस मैं समझा रहा था कि कैसा आप यूज़ कर सकते हो इस तरह का, ठीक है। तो ये है एक प्रॉपर तरीका यूज़ करने का, बहुत ही सही तरीका यूज़ करने का। ऐसा नहीं है जैसे मैं बताया कि कॉपी पेस्ट कर लिए कलर को, नहीं भाई मेरे, बहुत ईजिली आपको यूज़ कर सकते हो। आपको सिंपली जाना है और सर्च करोगे मेटेरियल यूआई कलर्स, तो बहुत सारे आपको यहाँ मेटेरियल कलर्स मिल जाएंगे, आपको जो पसंद है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर अच्छे, आप कुछ भी कलर यूज़ करो तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेटेरियल डिज़ाइन में मेटेरियल कलर ही ज़्यादा शूट करे, मतलब शूट करेगा यहाँ पर अच्छा लगेगा देखने में, है ना। तो जो भी कलर है सिंपली आपको देख लेना है कि अगर मुझे भाई पर्पल करना है तो सिंपली आपको पर्पल इंपोर्ट कर लेना है material.ui/core/colors से, आपको लिखना पर्पल और यहाँ पर पर्पल लिख देना है, और फिर पर्पल डॉट 500 या डॉट नहीं सॉरी 500 नंबर जहाँ से स्टार्ट होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेना, ठीक है। और नॉर्मली अगर टेक्स्ट वाला जैसे कि ये देखो ए से जो भी स्टार्ट हो रहा है तो उसको डॉट लगा के यूज कर सकते हो। तो काफी कमाल के कलर्स है, तो जाओ और बनाओ कुछ कमाल का चीज, मतलब कुछ कमाल की चीज बना सकते हो, ट्राई करके देखो। बहुत सारे कलर्स यहाँ पर कुछ किसी चीज पे अप्लाई करके देखो कस्टम CSS या फिर इनलाइन स्टाइलिंग करके। तो भाई मेरे ये था मेटेरियल यूआई कलर्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप यूज कर सकते हो कलर्स को और किन किन जगहों पे यूज कर सकते हो। फिर मिलते हैं सीरीज के अगले वीडियो में, ठीक है।